बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास फाइव, इन दिस वीडियो वी अगेन हैविंग योर लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर नंबर वन। इन चैप्टर नंबर वन वी हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, इन पार्ट वन वी हैव एक्सप्लेन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, वायरसेस, प्रोटेस्ट, this all things we have explained. In part 2 we have given you lecture about lichens, mosses and liverworts, seed bearing plants, everything we have given you in part 2. Now in this video, this is the part 3 of chapter number 1, classification of living things. In this video we will discuss about the animal kingdom, the classification of the animal kingdom. Okay, the animal kingdom, animals can be classified into two main groups. Animals को आप दो बड़े groups में classify कर सकते हैं, दो बड़े groups में इनकी दर्जाबंदी कर सकते हैं। Vertebrates are animals with backbones and invertebrates are animals without backbone. Means animals जो हैं vertebrates में आप इसको classify कर सकते हैं। animal kingdom को दो होते हैं, दो तरह के एनिमल्स होते हैं, द वर्टिब्रेट्स एंड द इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स कौन से एनिमल्स होते हैं आपके पास? दोज हु आर हैविंग बैकबोन्स, जिनकी बैकबोन रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। और इनवर्टिब्रेट्स आपके पास वो एनिमल्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी बैकबोन नहीं होती है। ठीक है, फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट इनवर्टिब्रेट्स। ये दो बड़ी क्लासेज हैं, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। उसके बाद इनवर्टिब्रेट्स को भी हमने अलग अलग क्लासेस में, फाइलम्स में डिवाइड किया हुआ है। इसी तरीके से आगे वर्टिब्रेट्स भी सब क्लासेस में डिवाइडेड हैं। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पहले हम बात करेंगे। साइंटिस्ट हैव ऑलरेडी नेम्ड अबाउट 1 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। यानी कि साइंसदान जो हैं अब तक 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से भी ज़्यादा इनवर्टिब्रेट्स के नेम्स जो हैं वो रख चुके हैं, नाम दे चुके हैं। यानी 10 लाख से भी ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वो फाइंड हो चुकी हैं, फाउंड कर चुके हैं। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स की जो क्लास है हमारे पास, इसको हम कहते हैं स्पंजिस। ठीक है, स्पंजिस इस तरीके के होते हैं, ये आप देख सकते हैं इन दिस पिक्चर। ये स्पंजेस हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, ये समुंदर में पाए जाते हैं। स्पंजेस आर अंडर वाटर इनवर्टिब्रेट्स। स्पंजेस अंडर वाटर पानी में रहने वाले इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। विथ नो हेड्स, कोई हेड नहीं होता, आर्म्स कोई किसी तरह के हाथ नहीं होते, और लेग्स किसी तरह की कोई टांगे नहीं होती। दे डू नॉट मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत भी नहीं कर सकते। दे अटैच themselves टू रॉक्स और प्लांट्स, ये अपने आप को जोड़ के रखते हैं या तो पत्थरों से या फिर दरख्तों से, पौधों से। दे टेक इन वाटर कंटेनिंग लॉट्स ऑफ टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया। यानी कि क्या करते हैं ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, टेकन इन एब्जॉर्ब करते हैं। इनकी छोटे छोटे उसमें प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, वो भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किस तरह से? इनके जिस्म पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनको हम ऑस्टिया कहते हैं। इसकी मदद से ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आफ्टर द फूड एंड ऑक्सीजन हैज़ बीन एब्जॉर्ब, द वाटर इज पुश्ड आउट थ्रू अ लार्ज माउथ लाइक होल कॉल्ड ऑस्क्यूलम। एंड जब फूड और ऑक्सीजन को इनकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है तो फिर वाटर को इनकी बॉडी से वापस पुश्ड आउट करवा दिया जाता है। वन लार्ज माउथ लाइक होल, एक बड़ा इनका बड़ा मुंह की तरह, माउथ की तरह इनका होल होता है, उसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं। उससे वो वाटर बाहर पुश्ड आउट हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। सेलेंट्रेट्स, सेलेंट्रेट इसको क्या पढ़ेंगे आप? सेलेंट्रेट्स। जेलीफिश एंड कोरल्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कॉल्ड सेलेंट्रेट। जैसे कि जेलीफिश एनिमल समुद्री जानवर हैं, जेलीफिश होती है,
कोरल्स होते हैं, ये जो है इन्वर्टिब्रेट्स के ग्रुप्स जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं इनको हम कहते हैं सेलेंट्रेट। दे हैव हॉलो बॉडीज एंड लिव इन द सी, ये भी समंदर में रहते हैं और इनकी हॉलो बॉडीज होती हैं। हॉलो बॉडीज मीन्स अंदर से खोखली बॉडीज होते हैं, खोखले अजसाम होते हैं। अ जेली फिश लुक्स लाइक एन अम्ब्रेला, जेली फिश जो होती है वो एक अम्ब्रेला की तरह लगती है। यहाँ पे दिखाई गई है एक जेली फिश ये, और ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, अम्ब्रेला की तरह नज़र आती है ये। विद थिन आर्म्स, बहुत पतले पतले हाथ होते हैं इसके। एंड टेंटिकल्स कॉल टेंटिकल्स, और ये आर्म्स क्या कहलाते हैं, ये आर्म्स इसके टेंटिकल्स कहलाते हैं, टेंटिकल्स। कोरल्स लिव्स इन द सी टू, कोरल भी समुंदर में पाए जाते हैं, बट दे स्टे इन वन प्लेस ऑल देयर लाइफ, लेकिन ये एक जगह ही रहते हैं, ये मूवेबल नहीं होते, ये एक जगह ही सारी ज़िंदगी रहते हैं। कोरल्स दैट स्ट्रेच ओवर लार्ज एरियाज आर कॉल्ड रीफ्स, यानी कि कोरल्स जो बहुत बड़े तादाद में एक जगह पे लगे हुए हों तो उस जगह को, उस एरियाज को हम कहते हैं रीफ्स, कॉमनली हम इसको कोरल रीफ्स भी कहते हैं। दे कैन बी वेरी कलरफुल, बहुत रंगीन हो सकते हैं ये, कलरफुल हो सकते हैं। ईच रीफ इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल कोरल एनिमल्स, हर रीफ में लाखों की तादाद में कोरल एनिमल्स शामिल होते हैं कॉल्ड पॉलिप्स, जिनको हम पॉलिप्स कहते हैं। ईच टाइनी पॉलिप हैज़ अ सिलेंड्रिकल बॉडी, हर अलग एक सिंगल पॉलिप की जो होती है एक सिलेंडर नुमा बॉडी होती है, जिस्म होता है, विच इज़ अटैच एट वन एंड, जो कि एक एंड से अटैच होता है टू द सी बेड, समुंदर की तय से जुड़ा होता है। द रीफ और अनदर पॉलिप, या तो वो रीफ से जुड़ा होता है या फिर किसी पॉलिप से जुड़ा होता है। एंड एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ द पॉलिप्स माउथ इज सराउंडेड बाय टाइनी टेंटिकल्स, और बाकी जो दूसरा एंड होता है, दूसरी साइड होती है उसकी, वहाँ पे उसका माउथ होता है, मुंह होता है, जो कि बहुत सारे छोटे छोटे टेंटिकल्स से सराउंडेड होता है। पॉलिप्स ईट टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल, और पॉलिप्स क्या करते हैं, ये छोटे छोटे प्लांट्स, छोटे छोटे एनिमल समुद्र के खाते हैं। ठीक है, नाउ वर्म्स, वर्म्स भी ऐसे ही एनिमल्स होते हैं जिनमें कोई वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन नहीं होती। ऑल वर्म्स हैव सॉफ्ट थिन बॉडीज विथ नो लेग्स, तमाम वर्म्स की नरम पतले जिस्म होते हैं, विद नो लेग्स, कोई इनकी लेग्स भी टांगे भी नहीं होती। सम वर्म्स लिव इन वाटर, कुछ वर्म्स जो हैं पानी में रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, और कुछ जो हैं ज़मीन पर भी पाए जाते हैं। एंड अदर लिव इनसाइड एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन, और कुछ ऐसे हैं वर्म्स जो जानवरों के, पौधों के या ह्यूमंस के अंदर या उनके बॉडीज के अंदर भी पाए जाते हैं। मोस्ट रिबन वर्म्स लिव इन द सी, और जो मोस्ट रिबन वर्म्स है, रिबन यानी कि जो रिबन के नुमा होते हैं, रिबन के जैसे वर्म्स होते हैं, जिनको वो सी में भी पाए जाते हैं, समंदर में भी पाए जाते हैं। द बॉडीज ऑफ अर्थ वर्म्स एंड लीचेस आर डिवाइडेड इंटू सेक्शंस कॉल्ड सेगमेंट्स, ये वर्म्स की एग्जाम्पल्स हैं। अर्थ वर्म भी एक वर्म है, लीची भी जो है, लीच्स भी जो है वर्म्स होते हैं। ये एग्जाम्पल है वर्म्स की, यहाँ पे आपको एक पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, ये दीज आर द वर्म्स, जिनको हम कीड़े भी कहते हैं। अच्छा, इनकी बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है सेक्शंस में, हिस्सों में डिवाइड होती है, जिसको हम सेगमेंट्स कहते हैं। मोस्ट लीचेस लिव इन वाटर, ज़्यादातर लीचेस सब पानी में पाए जाते हैं। दे हैव अ फ्लैट बॉडी, इनके जिस्म चपटे होते हैं। विद अ सक्कर एट ईच एंड, और हर एंड पर एक सक्कर लगा होता है सक करने के लिए। दे यूज द फ्रंट सक्कर टू फीड ऑन द ब्लड, ये क्या करते हैं, जो फ्रंट सामने की तरफ इनका सक्कर लगा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं ब्लड सक करने के लिए ऑफ फिश, किसी फिश का, किसी एनिमल का, अनदर एनिमल दैट लिव इन द वाटर, जो पानी में और दूसरे जानवर पाए जाते हैं, उनका खून चूसने के लिए अपने शक्कर का इस्तेमाल करते हैं। फ्लैट वर्म्स लुक लाइक अवॉइड लिव्स, फ्लैट वर्म्स जो होते हैं वो चपटे पत्तों की तरह नज़र आते हैं, और लॉन्ग रिबन्स और लंबे रिबन्स की तरह नज़र आते हैं।
टेप वर्म्स एंड फ्लूक्स लिव इनसाइड ह्यूमन बॉडीज. टेप वर्म और फ्लूक दो और भी वर्म्स होते हैं, ये ह्यूमन बॉडीज के अंदर होते हैं. वेयर दे कैन कॉज सीरियस इलनेसेस, जो कि बहुत ज़्यादा शदीद बीमारियाँ बना सकते हैं, फैला सकते हैं. द नेक्स्ट क्लास इज इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स, इकाइनोडर्म्स में आपके कौन कौन से एनिमल आ जाते हैं? स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकम्बर्स, ये इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जो कि इकाइनोडर्म्स में रखे गए हैं. यू कैन सी दिस इज अ स्टारफिश, दिस इज अ सी अर्चिन, ठीक है. दे आर कॉल्ड इकाइनोडर्म्स, इनको इकाइनोडर्म्स कहा जाता है. ये एक अलग क्लास है बिकॉज दे हैव स्पाइनी स्किन, इनकी स्किन पर स्पाइंस कांटे नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं. दे आर्म्स, द आर्म्स ऑफ अ स्टारफिश आर कवर्ड विथ हंड्रेड्स ऑफ टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड ट्यूब फीट. ये जो इसके आर्म्स आपको नज़र आ रहे हैं स्टारफिश के, इसमें बहुत ज़्यादा जो है सैकड़ों की तादाद में ट्यूब्स होती हैं, बहुत बारीक बारीक नालियाँ होती हैं जिनको ट्यूब फीट कहा जाता है. द ट्यूब फीट हेल्प द स्टारफिश टू मूव, इन्हीं अपने ट्यूब फीट की मदद से स्टारफिश मूव करती है, चलती है. एंड ऑल्सो टू स्टिक टू रॉक्स और शेल्स, और रॉक्स पे, पत्थरों पे या शेल्स पे चपकती भी है या जैसे उसका सहारा लेती है. दे ऑल्सो हेल्प द स्टारफिश टू पुल अपार्ट द शेल्स ऑफ कोकल्स एंड ओइस्टर इन ऑर्डर टू ईट द सॉफ्ट फ्लैश इन साइड. इसी इन्हीं की वजह से, यानी जो ट्यूब फीट हैं इन्हीं की मदद से स्टारफिश क्या करती है, कोकल्स और ओइस्टर्स वगैरह जो ये खाती है, समुद्री जानवर, ये भी समुद्री जानवर हैं, इनका जो सॉफ्ट फ्लैश होता है, सॉफ्ट गोश्त होता है अंदर का, उसको खाने में मदद करते हैं. स्टारफिश यूज द ट्यूब फीट टू टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम सी वाटर. इन्हीं ट्यूब फीट की मदद से ये पानी में मौजूद ऑक्सीजन को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, और उस ऑक्सीजन को जैसे हम सांस लेते हैं उस तरीके से ये सांस भी लेती है. द नेक्स्ट क्लास इज मोलास्क. मोलास्क, आ मोलास्क इज एन इनवर्टिब्रेट. मोलास्क जो हैं वो एक तरह के इनवर्टिब्रेट हैं विद अ सॉफ्ट बॉडी, नरम जिस्म होते हैं, एंड नो बोन्स, और उनकी कोई हड्डियाँ नहीं होती. मोस्ट मोलास्क हैव अ हार्ड शेल, ज़्यादातर इनके कैसे होते हैं, हार्ड शेल होते हैं जिस्म पर, ऑन द आउटसाइड, बाहर की तरफ, टू प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडी, ताकि इनकी सॉफ्ट बॉडी की प्रोटेक्शन की जा सके, हिफाजत की जा सके. सम मोलास्क सच एज कटल फिश एंड स्क्वार्ड हैव अ शेल दैट ग्रोज इनसाइड देयर बॉडी. कुछ मोलास्क ऐसे हैं जिनका जो ये कवरिंग होती है ये इनसाइड द बॉडी होती है, अंदर की तरफ होती है, जैसा कि कटल फिश और स्क्वार्ड में होता है. यहाँ पे आपको पिक्चर में ये दिखाए जा रहे हैं मोलास्क, ये मोलास्क एनिमल्स हैं. द ऑक्टोपस इज अ मोलास्क दैट हैज नो शेल एट ऑल. और इसी क्लास में ऑक्टोपस भी आता है जिसका कोई अंदर या बाहर की तरफ कोई शेल नहीं पाया जाता, जिसमें कोई शेल नहीं होता. कुछ इनवर्टिब्रेट में बाहर होता है शेल, कुछ में अंदर होता है, और कुछ में बिल्कुल नहीं होता, जैसा कि ऑक्टोपस. सम मोलास्क लिव इन वाटर, कुछ पानी में पाए जाते हैं, एंड अदर्स लिव ऑन लैंड, और कुछ समंदर के अलावा ज़मीन पर भी पाए जाते हैं. देन फाइलम या अदर क्लास है ये इन्वर्टिब्रेट की, दिस इज द अदर क्लास, आर्थ्रोपोड्स. बीटल्स, बटरफ्लाइज, क्रैब्स एंड स्पाइडर बिलोंग्स टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स कॉल्ड आर्थ्रोपोड. जैसा कि बीटल्स हैं, जैसे कि बग वगैरह होते हैं ना, बीटल बग, बीटल है, बग है, बटरफ्लाइज हैं, क्रैब हैं, दिस इज द क्रैब, और स्पाइडर हो गई, स्कॉर्पियन भी है, सेंटीपीड भी. ये तमाम क्या हैं, ये तमाम हैं आर्थ्रोपोड्स. क्या हैं? आर्थ्रोपोड्स. दिस क्लास नेम इज आर्थ्रोपोड्स. आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ये इस तरीके के एनिमल्स होते हैं दैट हैव जॉइंटेड फीट, जिनके फीट जो होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं. देख सकते हैं आप सबके फीट कैसे हैं, जॉइंटेड हैं, मिले हुई टांगे होती हैं. देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इंटू सेपरेट सेक्शन, इनकी बॉडीज अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होती है, विद अ हार्ड आउटर कवरिंग कॉल्ड एन एग्जोस्केलेटन. और इनकी बॉडी के बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको कहा जाता है एग्जोस्केलेटन.
एक्सोस्केलेटन। सेंटीपीड एंड मिलीपीड आर ऑल्सो आर्थ्रोपोड। सेंटीपीड जिसे हम आम जबान में शायद कनखजूरा कहते हैं, ठीक है, इस तरीके का होता है ये सेंटीपीड, देख सकते हैं आप। सेंटीपीड हो गया, मिलीपीड हो गया, ये भी आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं। इनकी बॉडी डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, हिस्सों में डिवाइड है, देख सकते हैं आप, सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी। ईच सेगमेंट हैज ईदर वन और टू पार्ट्स ऑफ लेग, और हर सेगमेंट में एक या दो टांगे मौजूद होती हैं, देख सकते हैं आप, हर सेगमेंट में इनकी एक या दो टांगे मौजूद हैं, पैर मौजूद हैं। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर अ टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड कॉल्ड अराकनेट्स। आर्कनेट्स, ऑल आर्कनेट्स हैव एट लेग्स। अच्छा, स्पाइडर और स्कॉर्पियंस जो होते हैं वो भी आर्थ्रोपोड हैं, लेकिन इनको हम आर्कनेट्स कहते हैं क्योंकि इनकी एट लेग्स होती हैं, आठ आठ टांगे होती हैं स्पाइडर की और स्कॉर्पियंस की। इंसेक्ट्स में सच एज बटरफ्लाइज, बीज एंड कॉकरोचेस हैव सिक्स लेग्स। जितने भी इंसेक्ट्स हैं आर्थ्रोपोड में, जैसा कि बटरफ्लाई या बी या कॉकरोच, इनकी छः छः टांगे होती हैं। क्रैब्स, लॉबस्टर, श्रिम्स एंड वाटर फ्लीज हैव सेवरल पेयर्स ऑफ लेग्स। और जो क्रैब है और भी जो लॉबस्टर, श्रिम्स वगैरह जो समुद्री जानवर हैं, उनमें सेवरल पेयर्स ऑफ लेग्स, यानी कि कुछ जो है वो ज़्यादा पेयर्स या कम पेयर्स हो सकते हैं टांगों के, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इनवर्टिब्रेट्स, जिसमें हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बताया कि एनिमल किंगडम जो है वो दो बड़ी क्लासेस में क्लासिफाइड है, द वर्टिब्रेट्स एंड द इनवर्टिब्रेट्स। और फिर ये इनवर्टिब्रेट्स की डिफरेंट क्लासेस आपको यहाँ पे बताई, स्पंजेस, साइलेंट्रेट्स, वर्म्स, इकाइनोडर्म्स, मोलस्क एंड आर्थ्रोपोड्स। होप आपको ये समझ में आएगा। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्टिब्रेट्स। थैंक यू वेरी मच। Now we will continue this chapter, the classification of living things. Invertebrates का पूरा topic आपको यहाँ पर discuss किया जा चुका है। Now coming towards the next topic, that is vertebrates. As I told you before that the vertebrates are the animals which are having the backbone, vertebral column. Vertebrates वो animals होते हैं हमारे पास जिनका vertebral column होता है, यानी रीढ़ की हड्डी backbone मौजूद होती है। सो वर्टिब्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू फाइव डिफरेंट ग्रुप्स। वर्टिब्रेट्स को भी हमने फाइव डिफरेंट क्लासेज में, फाइव डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। द फर्स्ट ग्रुप इज फिश। फिश का ग्रुप है, फिश आर वर्टिब्रेट्स। फिश वर्टिब्रेट्स हैं, इनकी बैकबोन होती है, दैट लिव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं। ऑल फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, और तमाम फिशेज जो है वो गिल्स से, गलफड़ों से सांस लेती हैं। मोस्ट फिश हैव अ स्किन कवर्ड विद स्केल, ज़्यादातर फिशेस की स्किन स्केल से, छिलकों से ढकी हुई होती हैं। नियरली ऑल फिश हैव फिन्स, तमाम फिशेस के तकरीबन फिन्स होते हैं, टू हेल्प देम स्विम, जो उन्हें तैरने में मदद देते हैं। ये फिश है आपके पास, इसकी बैकबोन भी है, और ये जो इसके निकले हुए हैं पर, जिनको बोलते हैं आप, ये फिन्स कहलाते हैं, जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। यंग फिश हैच फ्रॉम सॉफ्ट एग्स कॉल्ड स्पॉन, जो इनके फिश की जो नशोनुमा होती है, रिप्रोडक्शन होती है, वो सॉफ्ट एग, नरम अंडे होते हैं इनके, उनसे होती है, जिसको स्पॉन कहा जाता है। तो फर्स्ट ग्रुप इज कॉल्ड फिश ऑफ द वर्टिब्रेट्स। नाउ द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ द वर्टिब्रेट्स इज एम्फीबियंस। एन एम्फीबियन इज अ वर्टिब्रेट, ये भी एक एम्फीबियन जो है वर्टिब्रेट होते हैं, इनके भी बैकबोन होती हैं, दैट स्पेंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन लैंड। यानी कि ये ऐसे वर्टिब्रेट्स होते हैं जो कि अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा पानी में गुजारते हैं और कुछ हिस्सा जमीन पर गुजारते हैं, जमीन और पानी दोनों में जिंदा रह सकते हैं। When amphibians are young, जब ये छोटे होते हैं, they live in the water, ये पानी में रहते हैं, they breathe through gills, ये gills गलफड़ों से सांस लेते हैं, like fish, fish की तरह। लेकिन as they grow older, जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, they develop lungs, इनके lungs यानी इनके फेफड़े नशनुमा पा जाते हैं, to survive on land, ताकि ये जमीन पर भी जिंदा रह सकें और जमीन पर भी सांस ले सकें। मोस्ट एम्फीबियंस हैव स्मूथ स्किन्स, बट सम टोड्स आर कवर्ड विथ वर्ड्स। ज़्यादातर एम्फीबियंस की जो स्किन होती है वो कैसी है, स्मूथ, चिकनी होती है, लेकिन कुछ जैसे कि टोड्स वगैरह हैं,
मेंढक वगैरह होते हैं वो वर्ट से कवर्ड होते हैं, यानी उनकी स्किन पे कवरिंग होती है। अ थिक स्लिमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्किन। एक थिक गाढ़ा स्लिमी चिकना सा सब्सटेंस होता है म्यूकस जिसे कहते हैं, इनकी स्किन को वो प्रोटेक्ट करता है एंड हेल्प्स टू कीप इट मॉइस्ट, और इनकी स्किन को ना मॉइस्ट रखने में या फिर नम रखने में, नमी में मदद देता है। एम्फीबियंस एग्स आर कॉल्ड स्पॉन। एम्फीबियंस के एग्स भी स्पॉन ही कहलाते हैं, जैसे कि फिशेस के कहलाते थे। दे आर सॉफ्ट, ये नरम होते हैं, ये अंडे नरम होते हैं बिकॉज दे हैव नो शेल, क्योंकि इनका कोई खास शेल नहीं होता। सो फ्रॉग जो है वो एक एम्फीबियन की एग्जाम्पल है, ठीक है, वर्टिब्रेट है और एक एम्फीबियन की एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट क्लास ऑफ दी वर्टिब्रेट्स आर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कहते हैं रींगने वाले जानवरों को, ठीक है, जैसे ये कैमलॉन बना हुआ है, सांप वगैरह है, ये सब रेप्टाइल्स में आते हैं, मगरमच्छ हैं, लिजर्ट, स्नेक्स, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स, टर्टल्स एंड टर्टोइसेस आर ऑल रेप्टाइल्स। लिजर्ट, छिपकलियाँ, स्नेक्स, सांप, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, एलिगेटर्स जो बड़े वाले मगरमच्छ होते हैं, टर्टल्स कछुए और टर्टोइस, ये भी मतलब इन्हीं की काइंड है, इन्हीं की एग्जाम्पल हैं। ये तमाम रींगने वाले जानवर होते हैं, रेप्टाइल्स कहलाते हैं। दे हैव ड्राई स्केली स्किन, इनकी जिल्द खुश्क होती है, स्केली छिलकों से भरी होती है। एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, और ये लंग्स से सांस लेते हैं। दे ले एग्स ऑन लैंड, ये ज़मीन पर अपने अंडे देते हैं। दे द एग्स ऑफ सम रेप्टाइल्स हैव लेदरी शेल, कुछ रेप्टाइल्स के जो अंडे होते हैं उनका लेदरी सा शेल होता है, उनके जो अंडों के छिलके होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, लेदर जैसे होते हैं। वाइल अदर्स आर हार्ड लाइक बर्ड्स, और बाकियों के परिंदों की तरह के अंडे होते हैं, सख्त अंडे होते हैं, ठीक है। ये था रेप्टाइल्स के बारे में, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ रेप्टाइल एनिमल। नाउ द बर्ड्स, फोर्थ क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर बर्ड्स। बर्ड्स आर द ओनली मेमल्स विथ फेदर्स। बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स पता है सबको, परिंदों को कहते हैं। बर्ड्स भी ऐसे जानवर हैं जिनका वर्टिब्रल कॉलम होता है, बैकबोन होती है, तो ये भी वर्टिब्रेट्स में रखे गए हैं। ये ओनली एनिमल्स हैं, ये खाली अकेले ऐसे जानवर हैं जिनके फैदर्स यानी जिनके पर होते हैं या इनके जिस्म पे फैदर्स होते हैं, बारीक बारीक जो पर होते हैं ना परिंदों के जिस्म पे वो। ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तमाम परिंदों के विंग्स होते हैं, पर होते हैं। बट नॉट ऑल ऑफ देम कैन फ्लाई, लेकिन तमाम परिंदे नहीं उड़ सकते। अ फ्लाइंग बट कैन ट्रेवल फास्टर, एक जो उड़ने वाला परिंदा है वो तेज़ी से सफ़र कर सकता है देन एनी अदर एनिमल, किसी दूसरे जानवर से ज़्यादा। बर्ड्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, बर्ड्स जो है वो लंग्स से सांस लेते हैं, इनके भी फेफड़े होते हैं। ऑल बर्ड्स हैच फ्रॉम एग्स, तमाम बर्ड अंडों से पैदा होते हैं। यूजुअली द फीमेल लेज हर एग्स इन अ नेस्ट, इनकी जो फीमेल होती है वो अपने अंडे अपने घोंसले में देती है। द पेरेंट बर्ड्स फीड एंड प्रोटेक्ट द यंग बर्ड, जो पेरेंट्स होते हैं बर्ड्स के वो अपने बच्चों को फीड भी करवाते हैं यानी खाना खिलाते हैं और प्रोटेक्ट इनकी हिफाजत भी करते हैं यंग बर्ड छोटे बच्चों की। अनटिल दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्फ, यहाँ तक कि वो अपना ख्याल खुद रखने के काबिल हो जाएं। तो दिस इज़ अ बर्ड, बर्ड दिखाया गया यहाँ पे आपको एक, ये सारी बात हो गई बर्ड्स के बारे में। दे ऑल आर फोर टाइप्स, फोर्थ ग्रुप या फोर्थ क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स। नाउ द लास्ट एंड द फिफ्थ क्लास ऑफ द वर्टिब्रेट्स आर मेमल्स। मेमल्स कौन कौन से एनिमल्स हैं, कैट्स, डॉग्स, गोट्स, हॉर्सेस, मंकीज, जिराफ्स, एलिफेंट्स, व्हेल्स, बिल्ली, कुत्ता, बकरे, घोड़े, बंदर, जिराफ, जराफा, हाथी, व्हेल और डॉल्फिन, ये सब क्या हैं, ये सब मेमल्स जानदार हैं, जानवर हैं। यू आर ऑल्सो अ मेमल, हम भी मेमल जानवर हैं, यानी इंसान भी मेमल की कैटेगरी में आता है। मोस्ट मेमल्स आर कवर्ड विद फर, ज़्यादातर मेमल्स के जिस्म जो हैं वो फर से, बालों से भरे होते हैं, हेयर से। फर कहते हैं वो जो रुआ होता है वो, जैसे जानवरों के बिल्ली कुत्तों के जिस्म पे आप देख सकते हैं हल्के बाल होते हैं, फर होता है, हेयर या तो प्रॉपर बाल होते हैं और ब्रिस्टल्स या फिर ब्रिस्टल्स से ढके होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी फेफड़ों से सांस लेते हैं।
अ फीमेल मैमल गिव्स बर्थ टू बेबीज। अच्छा, सब बाकी सारे जो है वर्टिब्रेट्स आपने देखा वो सब अंडे देते हैं, लेकिन मेमल्स अकेले जानवर ऐसे हैं या एक अकेली क्लास ऐसी है जो बेबीज को बर्थ करते हैं, यानी इनके बेबीज डायरेक्टली बॉर्न होते हैं, ये अंडे नहीं देते, ये बच्चों को बर्थ देते हैं या बच्चों को जन्म देते हैं। एंड फीड्स देम ऑन मिल्क, और इनके बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, इनका दूध पीते हैं। शी प्रोड्यूसेस हरसेल्फ, अपनी जो फीमेल मदर होती है इनकी, उनका दूध पीते हैं। तो बेसिकली मेमल की डेफिनेशन ही यही है, जो जानवर अपने बच्चों को जन्म दें और दूध पिलाएं वो मेमल ममालिया जानवर कहलाते हैं। तो दीज ऑल आर द फाइव क्लासेस ऑफ द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स की पांच क्लासेस हैं, नंबर वन फिश, नंबर टू एम्फीबियंस, नंबर थ्री रेप्टाइल्स, नंबर फोर बर्ड्स एंड नंबर फाइव मेमल्स। नाउ प्रीहिस्टोरिक वर्टिब्रेट्स। अच्छा, कुछ हमारे पास अभी तो तमाम जो हैं ऐसे हैं जो अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में दुनिया में मौजूद हैं। देयर आर सम एनिमल्स जिनके शवाहिद हमें जो है वो मिलते रहते हैं, जो कि पहले प्रीहिस्टोरिक यानी पहले ज़मानों में रहा करते थे। ये एक आपको ढांचा दिखाया जा रहा है जिसके मतलब ढांचे मिलते रहते हैं ज़मीन से साइंटिस्ट को। सो मैनी ऑफ द एनिमल्स दैट लिव्ड इन मिलियन ऑफ ईयर्स अगो लुक्ड वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल दैट लिव इन आवर वर्ल्ड टुडे। यानी कि बहुत सारे लाखों की तादाद में एनिमल्स ऐसे हैं जो कि पहले की दुनिया में पाए जाते थे, वो आज के जानवरों से बहुत मुख्तलिफ हैं। एक्सटिंक्शन अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 65 मिलियन साल पहले द जाइंट रेप्टाइल्स डाइड आउट। तो जो बहुत बड़े बड़े जाइंट, बड़े बड़े यानी कि देवहेकल रेप्टाइल्स थे, रेप्टाइल्स की क्लास के रेंगने वाले जानवर थे, वो डाइड आउट, वो सब मर गए और बिकेम एक्सटिंक्ट और नापैद हो गए। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि अब वो ख़त्म हो गए, अब वो दुनिया में नहीं पाए जाते, नापैद हो गए हैं। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट वर्ल्ड बिकेम वेरी कोल्ड प्लेस अराउंड दिस टाइम। ज़्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि उस वक्त क्या हुआ था, दुनिया जो थी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई थी, सर्द हो गई थी, ठंडी हो गई थी। द जाइंट रेप्टाइल्स डाइड, इसी वजह से जो बड़े बड़े जानवर थे रेंगने वाले वो सब मर गए, बिकॉज दे वर टू बिग, क्योंकि वो बहुत बड़े थे टू हाइबरनेट, ताकि के वो सर्दियों में ज़्यादातर रेप्टाइल्स क्या करते हैं, हाइबरनेशन वगैरह में चले जाते हैं, सांप वगैरह। तो ये जानवर बहुत बड़े थे तो ये हाइबरनेट नहीं कर सकते थे स्लीप इन विंटर, सर्दियों में सो नहीं सकते थे कहीं किसी गार वार में छुप के, इसीलिए ये मर गए सबके सब एंड हैड नो फर एंड फैदर टू कीप देम। और इनके जिस्म पे छिलके होते हैं, किसी तरह का कोई बाल, कोई फर, कोई फैदर वगैरह नहीं होते कि इनको वो गर्म रख सकें, इसकी वजह से वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सके और उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। साइंटिस्ट नो दैट व्हाट दे लुक लाइक, साइंटिस्ट को ये पता है कि वो लोग कैसे लिखते थे या कैसे नज़र आते थे, बाय एग्जामिनिंग द फॉसिल्स। एग्जामिनिंग द फॉसिल्स जो उनके बाकियात मिले हैं ज़मीन से खुदाई के दौरान, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं। उन फॉसिल्स को देखकर साइंटिस्ट बता सकते हैं कि वो कैसे दिखते थे। क्या होते हैं फॉसिल्स? स्केलेटन्स और इम्प्रेशंस फॉर्म बाय द क्रश्ड बॉडीज ऑफ डेड एनिमल इन वेरी ओल्ड रॉक्स। ज़मीन के अंदर पुराने पत्थरों में, पुराने ज़मीन के अंदर इन जानवरों के जो ढांचे हैं या इम्प्रेशंस हैं, निशानात हैं, वो बाकी रह गए हैं इन डेड एनिमल्स के। जब वो खुदाई के दौरान मिलते हैं तो उससे पता चलता है कि ये कितने बड़े बड़े एनिमल्स रहे होंगे अपने दौर में। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा ये चैप्टर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। हमने इसमें प्लांट्स के बारे में आपको बताया, एनिमल्स के बारे में आपको बताया। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड यू विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टेड, क्योंकि ये एनिमल्स के बारे में तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है। आप इसको घर में दोबारा से रीड आउट करिएगा, दोबारा से समझिएगा एंड इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, ताकि आपको अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो उसको आप मिटा सकें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।